चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट टू, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले तो आप एक बार पढ़ लो, वैसे पढ़ लोगे तो एक बायोडाटा तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। पढ़ लो एक बार अच्छे से, है ना, हम खुद पढ़ देते हैं तुम्हारे साथ। द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब इसका, देखो जब तुम एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो तो उसमें जो हाइएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल रहता है इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशियंट जो कह सकते हो कि हाइएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशियंट होता है उसी के ऑर्डर को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर सिंपल भाषा में समझो, एकदम साधारण भाषा में समझो, तो ये कह सकते हो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है ना उसी को ऑर्डर कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डिफरेंशिएट हुआ है तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम लोग ऑर्डर कहते हैं। बस साधारण सी भाषा में ये सीख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि जैसे ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 8 हो प्लस डी फोर वाई बाई डी एक्स का पावर 4 का पावर 3 हो प्लस 7xy इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन हो, तो इसमें हम पूछे कि व्हाट इज़ द ऑर्डर। तो एक बात बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो वो कहोगे कि सर 2 बार, तो हम बोलेंगे गलत, हम बोलेंगे कि 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है वाई का। 2 बार भी हुआ है लेकिन 4 बार भी हुआ है, तो इसी 4 बार को ही हम लोग उसका ऑर्डर बोल देते हैं। ये मत कभी देख लेना कि ये पावर 8 है तो ऑर्डर 8 हो गया, दिस इज नॉट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब बस ये है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन होता है उसी को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट, हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट प्रेजेंट इन इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। माने उसका ऑर्डर, उस डिफरेंशियल कोफिशियंट्स का ऑर्डर जो हाइएस्ट ऑर्डर रखता हो, हाइएस्ट ऑर्डर रखता हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रखता हो, उसका ऑर्डर, ठीक है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ln डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का पावर 10, है ना, या x लिख दो प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम बोले कि व्हाट इज द ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स का डिफरेंशिएशन जो इसमें यूज हुआ है वो 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इसमें 3 हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसीलिए ऑर्डर 3 है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ln आ गया तो भी होगा क्या ऑर्डर? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री निकालते समय दिक्कत हो सकती है लेकिन ऑर्डर हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल फॉर्म हो या ना हो। डिग्री में ऐसा प्रॉब्लम है, डिग्री में ऐसा प्रॉब्लम है कि कभी कभी डिग्री डिफाइंड नहीं भी होता है, है ना। अब देख लेते हैं कि डिग्री क्या है और फिर हम लोग डिग्री और ऑर्डर पे मिला जुला के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कह सकते हैं कि ये 2020-21 के एग्ज़ाम में तो एकदम समझ लेना कि वही आएंगे ही, क्योंकि उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है और पूरा एनालिसिस करके सब जगह से, नेट से, ये यहाँ से वहाँ से ऑब्जर्व करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है, आप देखिएगा आफ्टर एग्जामिनेशन कितना क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने भी बच्चे हैं प्लस टू के वो पूरे कवर करें वीडियोज़ को और पूरे क्वेश्चंस को जो दे रहे हैं बनाएं, समझें कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है डिग्री को देखते हैं पहले।
लिखा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट, ये वर्ड को तुम याद रखना, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट, मतलब एक्सपोनेंट किसका, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है, माने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन जिसका हुआ है उसके पावर को, उसके मैक्सिमम पावर को कह सकते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड ऑल द डिफरेंशियल कोफिशियंट्स ओनली आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म, मतलब जितने भी डिफरेंशियल कोफिशियंट हैं चाहे d2y/dx² हो, चाहे dqy/dx³ हो या dy/dx हो, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशियंट्स हैं वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है उसके पावर को डिग्री कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तब, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं हुआ तब बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा तो उसे बनाने का कोशिश करेंगे, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब dy/dx जो होगा पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशियंट पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, या तो नहीं आएगा। अगर आ गया तब ऑर्डर डिग्री डिफाइंड होगा, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होता ही है, डिग्री तब डिफाइंड होगा, जितना होगा देख लेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाले का उसकी पावर को देख लेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि वो नहीं हो। दिस एक और इम्पोर्टेंट बात होता है कि पॉलिनोमियल फॉर्म में कौन होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ओनली होने चाहिए, एक्स वाई पॉलिनोमियल फॉर्म में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखने की कोशिश कीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा, अब जैसे चलिए ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, ऑर्डर बताना है एंड डिग्री बताना है, दोनों बताना है। तो सर आप जरा हमको पहले क्वेश्चन में बताइए कि ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर तो हम ऐसे ही पॉलिनोमियल फॉर्म में dy/dx हो या ना हो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ऑर्डर के लिए तो बस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है वही होता है, तो d2y/dx² प्रेजेंट है, dy/dx प्रेजेंट है, x⁴ प्रेजेंट है, तो निश्चित रूप से ऑर्डर 2 होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन दो बार हुआ है। डिग्री की बात करें तो डिग्री को अभी लिखवाया गया है कि द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ है उसके एक्सपोनेंट को, ये ना कि उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर दिखाई दे रहा है उसी को बोल दो। जैसे मान लो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये मत कर देना कि डिग्री 3 हो गया, क्यों, क्योंकि dy/dx का पावर 3 भी है 2 भी है। अरे भाई बताया गया है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन हुआ उसके एक्सपोनेंट को कहते हैं, ठीक है ना, उसके एक्सपोनेंट को कहते हैं, मतलब डिग्री यहाँ पे होने वाला है 2, क्योंकि इसका भी पावर 2 है, अगर ये 12 होता तो डिग्री 12 होता, यानी कि इस हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट ऊपर, यही इसी को बोलते हैं, दिस इज बेस दिस इज द एक्सपोनेंट। यहाँ तो बहुत आसान था क्वेश्चन, ये समझ लेना कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही लिया जा रहा है। यहाँ पे बताओ ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज ऑर्डर व्हाट इज डिग्री, तो कुछ लोग क्या होगा ना कि ऑर्डर फटाक से बता देंगे और डिग्री फटाक से बता देंगे और गलत कर देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि dy/dx है तो 1 हो गया और डिग्री जो है वो तुम्हारा 3 हो गया, जो कि गलत है। अरे भाई आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि अभी भी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह लिखने का मतलब क्या है, d ऑफ dy/dx का पावर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है कि इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप पहले डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि आप एक डिफरेंशिएशन एक और करोगे तो ऑर्डर बदल सकता है, डिग्री बदल सकती है, ठीक है ना, तो ऐसे ही अंदाज पे नहीं कर दोगे, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्या कह रहे फिर,
तो सबसे पहले ये सोचो कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कोई भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो पहले पावर अगर है तो पावर को करते हैं, तो पावर को क्या होगा, 3। अब फिर एक पावर घटता है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2, है ना। कोई भी पावर होता है एक्स का पावर 4 तो क्या लिखते हो, 4x³। तो उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 है, तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2। फिर अगेन आगे बढ़ेंगे तो पावर का हो गया, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स का होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे बताओ हमें कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऑर्डर तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्या दिखाई दे रहा है बताओ। तो ऑर्डर जो है हमारा वो 2 है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन 2 हुआ है, तो ऑर्डर 2। एंड डिग्री जो है वो 2 नहीं है, 1 है, ये मत कहना है 2 है। क्यों 2 नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के पावर को नहीं देखेंगे हम, हमेशा बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंट किसका देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट का, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट का। तो ये हो गया, चलो ठीक है। हम ये एग्जांपल 2 इसलिए लिए, है ना, अगर इसमें पूछे कि फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो यहाँ पे 2 और 1, 3 होगा आंसर, ठीक है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, नीचे भी लिखे हैं नोट करके कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड व्हाइल डिग्री नीड नॉट टू बी डिफाइंड। तो क्यों नहीं ऐसा होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग जरा डील करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझ लो कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म, है ना। देखो, जब से पहले क्या होता है, पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ए एक्स का पावर एन, है ना, फिर ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन एक्स का पावर एन माइनस एन, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए एन बचेगा लास्ट में, है ना, ए एन बचेगा इज इक्वल टू 0, सॉरी, है ना, हाँ सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स का पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो एक्स का पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स का पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो एक्स का पावर होना चाहिए, एक्स का पावर होना चाहिए, वो जो पावर है एक्स का वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। तो उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि इसी एक्स को आप रिप्लेस कर दो, किस चीज़ से रिप्लेस कर दो, या डिफरेंशियल कोफिशियंट से, या डी वाई बाई डी एक्स से कर लो, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से कर लो, ये सब डिफरेंशियल कोफिशियंट ही हैं, बस ऑर्डर बदल रहे हैं, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब कर लो, रिप्लेस कर दो सर जगह, मतलब ये ऐसे ए नॉट डी वाई बाई डी एक्स का पावर एन प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स का पावर वन एन माइनस वन प्लस ए टू डी वाई बाई डी एक्स का पावर एन माइनस थ्री या एन माइनस टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, लास्ट में ए एन इज इक्वल टू 0। या फिर ये कह सकते हो कि ए नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 प्लस ए वन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे, मतलब कि ये कह सकते हो कि कहीं भी जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर आना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कभी जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए या एक्सपोनेंशियल में नहीं आना चाहिए, जैसे मतलब ऐसे कि ln ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या प्लस ऐसे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका पावर तो 1 है, मानते हैं, लेकिन ये एक्स लॉगरिथमिक के अंदर हो गया, तो दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। हाँ, ये हो सकता है कि उसे बदला जा सकता है क्या,
इन पॉलिनोमियल फॉर्म, मतलब लॉग को हटाया जा सकता है क्या? तो कोई कोई क्वेश्चन में हटाया भी जा सकता है और कोई कोई क्वेश्चंस में हटाया नहीं भी जा सकता है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशियंट है उसके पावर होल नंबर होने चाहिए, वो ना तो लॉगारिथमिक में होना चाहिए या ना डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ना एक्सपोनेंशियल में होना चाहिए, ना साइन कॉस टेन के अंदर होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल इस तरह के फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन लॉगारिथमिक के अंदर नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब और ज़्यादा क्लियर होगा। जरा इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको मतलब समझाने के लिए हम ये कर दे रहे हैं कि भाई दवे मान लो आ भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो, आएंगे इससे आसान ही है ना, फिर भी थोड़ा कठिन भी ले लेते हैं। चलो तो इसमें अगर हम पूछे तुमसे ऑर्डर, तो ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होता है और ऑर्डर होगा तुम्हारा इसका कितना, तो 5 होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स हुआ है, d5y/dx^5 +e^(dy/dx) = x³। डिग्री की जब बात आएगी तो यहाँ देखो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशियंट है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो बस यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस डिग्री नॉट डिफाइंड लिख देंगे ना, पहले ये चेक करेंगे कि क्या हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये e^(dy/dx) = लिख दें तो x³ - d5y/dx^5⁴। अब ये एक्सपोनेंशियल है, इसको अगर हम हटाना चाहें तो पावर इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फॉर्म होता है, याद होगा a का पावर अगर x = b हो तो x = हम क्या लिखते हैं lnb, याद रहे ऊपर वाले के बराबर लिखते हैं lnb, आइए जो नीचे रहता है वो नीचे आ जाता है ये। तो उसी तरह से पावर की इज इक्वल टू ln के अंदर ये आ जाएंगे पूरे के पूरे, मतलब x³ - d5y/dx^5 का इतना का होल पावर 4, और ये e जो होगा वो तो यहाँ छुपाई है। तो दिस इज नॉट डिफाइंड डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइंड। कहोगे कैसे नॉट डिफाइंड सर, तो हम बोलेंगे कि देखो यहाँ से तो फ्री कर दिए तुम, पॉलिनोमियल फॉर्म में ला लिए, लेकिन गलती क्या हुआ तुमसे, या फिर हुआ क्या एक्चुअली में कि d5y/dx^5 ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये ln के अंदर आ गया, इस कारण से इसकी डिग्री डिफाइंड होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन एक्चुअली हमने तुमको करा दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या दूसरे क्वेश्चन में ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, तो ऑर्डर तो तुम बोल दो 4 होगा क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन 4 ही हुआ है। क्या इसमें डिग्री डिफाइंड होगा? अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इसको, अब ये भी याद रखना कि एक हाँ ठीक है, एक्सपोनेंशियल के में पावर के बराबर क्या लिखेंगे, d^4y/dx^4 = ln, जो इधर रहता है वो रहेगा, बस बेस में क्या आएगा ये e, तो ln रहता है तो वो बेस e ही होता है, लॉग जिसका बेस e हो उसे ही ln लिखते हैं। तो डिग्री डिफाइंड है, हाँ है, और डिग्री का वैल्यू 1 है। अब कोई कहेगा कि सर ये तो ln में आ गया है सर, कैसे होगा? अरे बाबू हमने बार बार बोला है कि डिफरेंशियल कोफिशियंट ln के अंदर नहीं आना चाहिए, x आ सकता है, y आ सकता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल उस ln के अंदर आ सकता है, एक्सपोनेंशियल के अंदर आ सकता है, साइन के अंदर आ सकता है, कॉस के अंदर आ सकता है, x एंड y, लेकिन dy/dx मतलब डिफरेंशियल कोफिशियंट, dy/dx ही नहीं, d2y/dx² dqy/dx³, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशियंट ln एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं आने चाहिए, उसके होल पावर क्या होनी चाहिए, उनके पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ डिफाइंड होगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफाइंड होगा कि नहीं देखते हैं। पहले तो ऑर्डर तो तुरंत बोल सकते हैं, इस क्वेश्चंस का ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर होगा 2, क्योंकि y" का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंसिएशन, x³ + ln x। डिग्री की बात आएगा तो नहीं अभी बोल सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर y" है, दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, क्योंकि डिग्री तभी होगा जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। करके देखते हैं, साइन इनवर्स को उधर भेजें अगर, तो हम कह सकते हैं कि y" = sin of x³ + ln x। तो हाँ बिल्कुल डिग्री डिफाइंड होगा,
आप कहोगे कैसे डिग्री डिफाइंड होगा और डिग्री वन होगा क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है उसके पावर को, तो इसका पावर जब कुछ नहीं लिखा है तो वन माना जाएगा ऑफ कोर्स। और साइन के अंदर एक्स क्यू एल एन एक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई साइन के अंदर है लॉग के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल कोफिशियंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म विच इज नॉट प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ या आर्गुमेंट ऑफ साइन कॉस टेन और एल एन एक्सपोनेंशियल ईटीसी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चार में आते हैं। व्हाट इज से, तो ऑर्डर पहले पूछ रहा है, तो ऑर्डर तो भैया ऑलवेज डिफाइंड होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाई फोर टाइम्स हुआ है, ये वन टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका थ्री। डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री भी डिफाइंड है इसी में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई है साइन इनवर्स में, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है साइन इनवर्स के अंदर, तो डिग्री इसकी हो जाएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये उसका पावर तीन। सेवन मत बोल देना। चलो ये हो गया, इसमें आ जाओ। हाँ तो इसमें देखो वाई डैश का पावर वन बाई थ्री है ना, तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि डिग्री इसका डिफाइंड होगा। हाँ ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कितना होगा इसका, दो होगा। डिग्री की बात किया जाए तो सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को गायब करने का कोशिश करो, गायब हो जाएगा तब तो डिफाइंड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए x को पहले LHS में भेजते हैं, तो y पे फोर्थ डिफरेंशिएशन का पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डैश का पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब ले लो, दोनों तरफ क्यूब लोगे तो ये कट जाएगा, तो y 4 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्क्वायर माइनस एक्स का होल पावर 3 इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इस पे पावर ही बढ़ेगा ना, इस पे पावर ही बढ़ेगा ना, इस पे पावर ही बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब जब क्यूब करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब में ए क्यू बी माइनस बी क्यू है ना, ये सब आएंगे। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो अब देखो इसका पावर बढ़ेगा, वाई चार टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, जब इसका क्यूब करेंगे एक्चुअल में तो वाई फोर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ए क्यूब करेंगे तो स्क्वायर पहले से है, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो पावर एक्चुअल में छः हो जाएगा इसका, और जितने भी और आएंगे वाई फोर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन उसमें से पावर से कम ही होगा, क्योंकि ए क्यूब फिर बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर में सबसे मैक्सिमम पावर पहले ए क्यूब पे ही आता है, क्योंकि वो क्यूब है ना, बाद में तो स्क्वायर वगैरह आएगा, तो इसका डिग्री हो जाएगा तीन दुना के छः। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही ले लिए। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके आ सकते एग्जाम में उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए वेट कीजिए तब तक लिखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइए ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑफ कोर्स आप सोचिए कितना होगा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन यही है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर टू, डिग्री भूल के भी फोर मत बोलना क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट को कहते हैं, तो इसका एक्सपोनेंट आप वन लिख सकते हो, वन हो गया। ठीक है, अब देखो इसका डिग्री ऑर्डर अगर पूछे तो ऑर्डर अगर पूछें तो इसका हो सकता है कितना, ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो दो होगा ऑर्डर। ये मत कर देना कि ये दो को इसमें मल्टीप्लाई करके चार बोल देना, ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक अलग चीज़ है, इस पर पावर इधर नहीं आ सकता है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वाई के डबल डिफरेंशिएशन को, है ना, वो ए पावर से कैसे हो जाएगा मैच, ए पावर से मैच हो जाएगा मतलब कि पावर का गुना हो जाएगा तो फोर हो जाएगा, तो फोर टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि किसी मतलब समझ ही रहे हो, समझाना क्या है, ऑर्डर टू है और डिग्री इसका कितना हो जाएगा, वो भी दो हो जाएगा क्योंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल का पावर दो है। फिर यहाँ ऑर्डर अब खुद बताओ, ऑर्डर फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही है मैक्सिमम, तो ऑर्डर टू हुआ, डिग्री अब की बार तीन होगा, क्यों होगा, चार क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर को कहेंगे डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन को ही कहते हैं, उसके ही एक्सपोनेंट को कहते हैं। ऑर्डर होगा आपका दो, डिग्री होगा आपका वन। ठीक है, आप कोर्स अब बना भी सकते हो,
ऑर्डर होगा आपका, यहाँ पे पहले डिफाइंड होगा कि नहीं, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर टू हो गया। और डिग्री के लिए देखना पड़ेगा कि हर एक डिफरेंशियल कोफिशियंट पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो लॉग एक्स है तो एक्स में लॉग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका डिग्री हो गया वन। बार बार हम बोल रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट के पावर को देखना, ये नहीं कि ये दो दिख रहा है बस फटाक से दो लगा दो, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन जो कि आपके ये 2020-21 के एग्ज़ाम में आएगा वो हम बता दिए आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे अगले वीडियोस में, कल के क्लास में, ठीक है। आज इतना ही रहेगा, थैंक यू।